जिम बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करें। अगर आप भी जिम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप किस तरह का जिम खोलने की सोच रहे हैं, कार्डियो उपकरण या वेट लिफ्टिंग वाला जिम या फिर फिटनेस सेंटर वाला जिम। कार्डियो उपकरण और वेट लिफ्टिंग वाला जिम, इसमें वजन कम करना और बॉडी बनाना आदि की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें कई तरह की मशीन्स का इस्तेमाल होता है। फिटनेस सेंटर वाला जिम, फिटनेस सेंटर कार्डियो उपकरण और वेट लिफ्टिंग वाले जिम से थोड़ा महंगा होता है। ऐसे में जिम में वजन बढ़ाना घटाना, योगासन, गुड डाइट, फिटनेस एक्टिविटी, डांस, मार्शल आर्ट्स, एरोबिक्स आदि कराए जाते हैं। अपने बिजनेस का मॉडल तैयार करें। आपका बिजनेस किस तरह का होगा, आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, आपकी लागत कितनी होगी, किन जेंडर के लोगों को आप टारगेट करेंगे आदि। इस तरह के सवालों को ध्यान में रखकर एक बिजनेस मॉडल बनाएं, फिर उस मॉडल के हिसाब से आप अपना बिजनेस शुरू करें। सही लोकेशन का चयन करें। आप जिस जगह इस बिजनेस को खोलने की सोच रहे हैं, क्या वहां वाकई ही जिम की आवश्यकता है, इस तरह के सवालों को ध्यान में रखकर आप सही जगह का चयन कर सकते हैं। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि किस तरह की ऑडियंस आपका पहला टारगेट है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। यूं तो जिम खोलने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि आप अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर शुरू करना चाहते हैं और अपने भविष्य में इन्वेस्ट आदि को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आप जिस तरह का जिम शुरू कर रहे हैं, किसी एक कैटेगरी को चुनकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तहत अपने जिम का रजिस्ट्रेशन कराएं। GST रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। लोकल पुलिस से क्लियरेंस सहमति लें। इस तरह से परमिशन लेने के बाद आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जिम शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण, ट्रेडमिल, बेंच प्रेस, लेग प्रेस, लेग पुल डाउन, बटरफ्लाई, पैक डेक, बेंच प्रेस, केबल क्रॉसओवर, डिप बार, प्रीचर बेंच, सिटअप बेंच, दो नॉर्मल बेंच, योग मैट, स्किपिंग रोप, रॉड, डंबल, स्टैंड, म्यूजिक सिस्टम, इंटीरियर डेकोरेशन, लाइट्स आदि। इन सभी उपकरणों को खरीदते समय क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। आप इन उपकरणों को बड़े शहर के किसी भी शोरूम से खरीद सकते हैं। कई बड़ी कंपनियां इन उपकरणों का निर्माण करती हैं। आप चाहें तो लोकल से भी इसे बनवा सकते हैं। अपने बिजनेस का प्रचार और प्रसार करें। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी है ग्राहक। यदि आपका ग्राहक अधिक है तो आप अपनी सर्विस को समय समय पर अपडेट भी कर सकते हैं और भविष्य का प्लान भी बना सकते हैं। प्रमोशन के लिए आपको इन चीजों पर सबसे पहले फोकस करना होगा। टेम्पलेट्स, बैनर, होर्डिंग्स, विजिटिंग कार्ड आदि से अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। निवेश की लागत। आप किस लेवल पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इस पर आपका निवेश आधारित होगा। यदि आप 2500 से 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में बिजनेस शुरू करते हैं तो 70 लाख से 80 लाख तक का खर्च आएगा। आप इससे बड़ी जगह पर बिजनेस शुरू करते हैं तो 1 करोड़ तक का निवेश में आप बेहद अच्छे से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में इतनी अधिक राशि में एक बार ही निवेश करना होगा जिसमें आप हर साल 15 से 20 लाख तक आसानी से कमा सकें। जिम का बिजनेस शुरू करने के लिए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी ध्यान रखें। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि आपके पास अच्छे अच्छे आइडिया हो कस्टमर को आकर्षित करने के लिए। इस बिजनेस को करने के लिए मार्केट की अच्छी समझ हो। मार्केट में किसकी डिमांड अधिक है, वो किस चीज की अधिक कमी है, इस पर आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने आसपास के इलाके में रिसर्च करें कि क्या ऑफर चल रहे हैं। अच्छे अच्छे ऑफर और पैकेज बनाएं जिससे कस्टमर आकर्षित हों। डाइटिशियन फैसिलिटी, स्टीम बाथ, मेडिटेशन फैसिलिटी, कंसल्टेंट फैसिलिटी आदि का भी अलग से बंदोबस्त करें। आप जिस जगह अपना जिम खोल रहे हैं उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लें। साथ ही शॉप मालिक से भी आप सारी बातें क्लियर कर लें, कितनी हैवी मशीनें लगेंगी आदि। जिम में आने वालों से हेल्थ सर्टिफिकेट अवश्य मांगें जिससे आपको अपनी कस्टमर की मेडिकल जानकारी हो, जिससे भविष्य में किसी भी ट्रीटमेंट को लेकर कंप्लेंट ना मिले। आप जिन मशीनों को इस्तेमाल में ला रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अपना बिजनेस के ब्रांड की तरह ही शुरू करें जिससे इस ब्रांड में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह पाए। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपना जिम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे जुड़ी कोई और जानकारी के लिए अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।